नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल व्हील और एक्सल के बारे में, जो सिंपल व्हील और एक्सल का एक कम्बिनेशन हमने बनाया है ताकि हम लोड को लिफ्ट कर सकें। तो ये लिफ्टिंग मशीन के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो लिफ्टिंग मशीन का एक टॉपिक है। तो सिंपल व्हील एंड एक्सल, पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं, फिर हम इसकी मैकेनिकल एडवांटेज और जो वेलोसिटी रेशियो है वो निकालेंगे। तो सिंपल व्हील एंड एक्सल, यहाँ पर देखिए, ये जो है लार्जर डायमीटर का है, ये है व्हील। तो आप इसको बोल दीजिए ये व्हील है, और इसको आप ए बोल सकते हैं कि जो व्हील है वो ए है। इसी तरह से जो ये स्मॉलर डायमीटर का, यहाँ पे देखिए, ये जो लार्जर डायमीटर है ये डी है इस व्हील का। इसी तरह से जो स्मॉलर डायमीटर है ये डी है, ये क्या चीज़ है, ये है एक्सेल। तो आप इसको बोल दीजिए एक्सेल है, और इसको आप बोल दीजिए कि बी जो है वो हमारा एक्सेल है। अब ए के ऊपर भी हमने एक रोप को लपेटा हुआ है, और जो एक्सेल है यानी बी के ऊपर भी रोप को लपेटा हुआ है, लेकिन इन रोप को इस तरह से लपेटा हुआ है कि जो इनकी डायरेक्शन है वो उल्टी है। यानी कि जब आप इस रोप को खींचेंगे तो वेट क्या होगा, लिफ्ट होगा। तो इनकी डायरेक्शन को उल्टी रखा गया है ताकि वेट को जब हम इसको खींचें तो ये ऊपर की तरफ जाए, तो उल्टा लपेटा गया है इसको। और ये सेम शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, ये इस सेम शाफ्ट के ऊपर ये दोनों जो व्हील है और जो एक्सेल है वो हमने अरेंज किए हैं। तो शाफ्ट दोनों की सेम है, और यहाँ पे ये बियरिंग लगाए गए हैं। तो बियरिंग की हेल्प से हम इनको जो एक कंटिन्यूअस रोटेशन दे सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और एक स्मूथ रोटेशन हम इनको दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों साइड, यहाँ पे भी बाल बियरिंग लगाए गए हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बाल बियरिंग है। अब देखिए जो इसकी वर्किंग है, या हम देखें कि जो वेट वेट जो है कैसे लिफ्ट करेंगे और मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकालेंगे। तो देखिए, जब आप पी के, ये जो पी है ये एफर्ट है, जब आपने पी एफर्ट लगाया इस रोप के ऊपर, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। जैसे ही ये वन रेवोल्यूशन पूरा करेगा, क्योंकि सेम शाफ्ट के ऊपर अरेंज है ये अच्छी तरह से, तो ये भी अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करेगा। तो मान लीजिए जो ये एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, तो वो क्या होगा, जब ये जो अपना कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, जो कि हमारा व्हील ए है, तो ये कितना होगा, वो होगा पाई डी। तो यानी कि ये पाई डी मूव करेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में। इसी तरह से जो लोड लिफ्ट होगा वो कितना होगा, जितना ये रोटेशन लेगा, यानी कि ये कितना लेगा, ये लेगा पाई डी, क्योंकि इसका डायमीटर स्मॉल डी है, इसका कैपिटल डी है। तो इस तरह से जो एक रेवोल्यूशन होगा इसके बराबर होगा इन दोनों का, और जो हमारा डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट होगा पाई इंटू कैपिटल डी होगा, और जो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड होगा पाई इंटू स्मॉल डी होगा। तो जो हमारा होता है वेलोसिटी रेशो, वो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, मूव्ड बाय जो एफर्ट ने डिस्टेंस मूव किया, उसके डिवाइड में क्या आएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, जो हमारा लोड था उसने कितना डिस्टेंस मूव किया। तो डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट क्या है, ये है पाई इंटू कैपिटल डी, और डिस्टेंस मूव बाय जो लोड है ये कितना है, पाई इंटू डी, यानी कि स्मॉल डी। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो इस तरह से जो वेलोसिटी रेशो है इसके बराबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप क्या करें, जो आपने यह स्ट्रिंग लिया है, यानी कि जो ये रोप ली है, अगर आप डिफरेंट थिकनेस लेते हैं, मान लीजिए इसकी जो थिकनेस आप लेते हैं वो T1 लेते हैं, इसकी जो थिकनेस लेते हैं आप T2 लेते हैं, जो भी रोप या स्ट्रिंग आपने यूज़ किया है, तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, D के अंदर वही चीज़, अगर वेलोसिटी रेशो निकालेंगे तो T1 इसमें ऐड हो जाएगा और T2 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप थिकनेस को कंसीडर करते हैं, अलग अलग थिकनेस लेते हैं, तो ये आपका वेलोसिटी रेशो आ जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी। अब मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक साइड व्यू बनाइए। तो आप इस तरफ से देखिए इसको, तो आपको क्या, तो यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपने है ये ड्रा कर लिया, जो ये छोटे वाला है, और फिर जो व्हील है इसका आप साइड व्यू ड्रा कीजिए। तो ये बनेगा इसके बिल्कुल ऊपर इस तरह से, तो ये आपने ड्रा कर लिया। तो देखिए आपने ये क्या किया, इसका साइड व्यू ड्रा कर लिया। जब आपने इस तरफ से देखा, पहले ये दिखा आपको और फिर ये दिखा, आपने दोनों व्यूज़ के ड्रा कर लिए। अब जो इससे कनेक्ट है, जो आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, वो तो व्हील के ऊपर कनेक्ट है, तो बड़ा जो है सर्कल
इस पे आपने दिखा दिया पी, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर तक का कितना डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसका डायमीटर है कैपिटल डी, तो यहाँ तक का कितना होगा डी बाई टू, क्योंकि कैपिटल डी बाई टू होगा, कैपिटल डी का हाफ होगा। और इसके साथ कनेक्ट है जो छोटे वाला है, ये जो आपने लिया है एक्सल, इसके साथ क्या कनेक्ट है, वेट कनेक्ट है, तो यहाँ पर आप दिखा दीजिए वेट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा डी बाई टू, यानी कि स्मॉल डी बाई टू होगा, ये कैपिटल डी बाई टू होगा और ये स्मॉल डी बाई टू होगा। अब इसके अंदर देखिए आपको क्या करना है, मूवमेंट लेनी है। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है बीच में, ओ पॉइंट है, तो मूवमेंट अबाउट इस पॉइंट लेनी है। तो जब आप मूवमेंट लेंगे अबाउट इस पॉइंट, तो क्या होगा, जो ये फोर्स है यानी कि एफर्ट है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होती है मूवमेंट। तो जब आप वो लेंगे तो वो क्या आएगी, तो जब आप यहाँ पे कर लेते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, यानी कि पी इंटू क्या आएगा डी बाई टू, ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये किसके इक्वल टू आएगा, ये आएगा जो हमारा इस तरफ है W, यहाँ पे लोड हो गया यानी कि एक तरह की फोर्स हो गई, और इंटू डी बाई टू, तो W इंटू स्मॉल डी बाई टू, तो इस तरह से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पी इंटू डी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू स्मॉल डी, टू टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी इंटू डी और डब्ल्यू इंटू डी ये आ जाएगा आपके पास। अब आप मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला जानते हैं डब्ल्यू बाई पी, तो इसको बना लीजिए, पी यहाँ आ जाएगा और डी बाई डी ये यहाँ आ जाएगा, तो डब्ल्यू बाई पी क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। और इसी तरह से जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो किसके बराबर आ गई, डी बाई डी के। तो यहाँ पर आप इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होती है, वेलोसिटी रेशो के। तो यहाँ भी जो वेलोसिटी रेशो आया था डी बाई डी हमारा आया है, अगर आप फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते हैं तब की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी इतना आया, वेलोसिटी रेशो भी इतना आया। तो मैकेनिकल एडवांटेज आप निकाल के डायरेक्ट ये भी दिखा सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशो के बराबर होती है, अगर आप आइडियल कंडीशन लेते हैं यानी कि फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से जो सिस्टम की एफिशिएंसी है आप उसको ले सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।